सरकार जो है इसका वापस सीबीसीआईडी जांच करके, कोई भी निष्पक्ष कमेटी द्वारा इसका जांच करके दूध का दूध पानी का पानी और धर्म की जो जगह है वह सुरक्षित करे। जय श्री कृष्ण सर जी। हाँ जय श्री कृष्ण, हम बोल रहे सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया है बिल्कुल जी। सर जो आज की जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो बंजार समाज के लोग हैं वो जानना चाह रहे हैं कि जो मथुरा आश्रम में जो घटना हो रही है, यानी जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, उस पर क्या कुछ पूरी घटना है इस समय, लाइक क्या कुछ इस समय अपडेट है, पूरा थोड़ा सा आप बताइए प्लीज। अभी उदासीन टीला आश्रम की परिस्थिति ऐसी है, इस समय भूमाफिया लोगों का हौसला बड़ा हुआ है ताकि वो जो जमीन है उस जमीन को, जो उदासीन संप्रदाय के नाम से जमीन थी उसको, वह चेकबंदी अधिकारी को मिलकर उस जमीन को आबादी श्रेणी 6-2 में वो आदेश करवा दिया है चेकबंदी अधिकारी को मिलकर। अच्छा, और वह आबादी घोषित हो और आबादी ही रहे और कब्जे में अपने उदासीन संप्रदाय के होने के कारण, अपने समाज के होने के कारण, वह किसी भी प्रकार को वहाँ से मेहनत को हटाना चाहते हैं ताकि वो जगह पर पूरे पूरे वो कब्जा कर पाए। और उसी वजह से उन्होंने 2020 में पोस्को एक्ट 354 धारा लगाई थी, तो छेड़छाड़ की धारा होती है, ताकि इस वजह से महाराज वहाँ से हट जाए, महाराज को जेल की सजा हो जाए और महाराज हट जाए, फिर समाज कमजोर हो जाएगा, फिर आसानी से अपन जगह कब्जा कर सकते हैं जगह पर। जी जी, ऐसी निश्चिंत रहिए, आपके साथ हम भी आपके साथ हैं और पूरा बंजार समाज आपके साथ रहेगा सर जी। और मैं सर जानना चाह रहा हूँ, अभी इस समय तो कोई आपको परेशान करने की साजिश तो नहीं चल रही, आपको परेशान तो नहीं किया जा रहा है इस समय? मुझे परेशान क्या है, अभी परिस्थिति ऐसी है, जो पास्को एक्ट धारा लगी थी, एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके ऊपर चार्जशीट लगने के बाद हमने हाईकोर्ट में डाला था, हाईकोर्ट से उसके ऊपर स्टे लाने के लिए हाईकोर्ट से भी आदेश आ गया, अपने फेवर में आदेश नहीं होने से उनका हौसला बढ़ गया है और वह अधिकारी के ऊपर प्रेशर लाकर ये नॉन अवेलेबल वारंट भी मेरे खिलाफ, हमारे सहयोगी के खिलाफ कर दिया है। पिछले 25/3/2022 को नॉन अवेलेबल वारंट हमारे पर कट गया है। इसके लिए अभी आज मैं तो आश्रम में भी नहीं जा सकता, क्योंकि वकील लोगों का बोलना है यदि आप आश्रम में रहोगी तो, इस वजह से मैं तो आज आश्रम में भी नहीं हूँ, मैं बाहर घूम रहा हूँ आज। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, इस समय जो भूमाफिया थे जो कब्जा कर रखे हैं वहाँ की जमीन को और जो हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं, आप शासन प्रशासन को क्या बोलना चाहते हैं? हम शासन प्रशासन को चाहते हैं कि हम ये नहीं बोलना चाहते कि हम बेगुनाह हैं, केवल प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हमारी रिक्वेस्ट है, यदि वह इसकी वापस, यदि इन्वेस्टिगेशन वापस इसकी जांच करवा सकते हैं, वापस इसकी जांच करवा कर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यह केस जो है, ये एफआईआर उन्होंने झूठी कर रखी है अधिकारियों पर दबाव देकर। तो हम यह चाहते हैं कि सरकार जो है इसका वापस सीबीसीआईडी जांच करके, कोई भी निष्पक्ष कमेटी द्वारा इसका जांच करके दूध का दूध पानी का पानी और धर्म की जो जगह है वह सुरक्षित करे। आज हम माननीय मुख्यमंत्री हमारे साधु होने के कारण हमको उनसे यही आशा है कि धर्म की रक्षा होगी और जो धर्म की जो जगह है वहाँ धर्म कार्य ही हो, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समाज को, आने वाले भविष्य में वहाँ से एक योग्य मार्गदर्शन हो, योग्य विचार मिले, यही एक मेरी मानसिकता है और यही मैं चाह रहा हूँ।